शालिनी बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे 14 साल का राजू और 10 साल की भव्या थी। साथ ही पति बीमार था, घर चलाने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में वह बहुत परेशान थी। कुछ दिनों तो सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ा था। फिर एक दिन बच्चे कहते हैं, माँ, दो दिन से ठीक से कुछ भी खाना नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा खाना खाने को मन कर रहा है, प्लीज माँ कुछ खिला दो बनाकर। माँ, मुझे तो आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। आलू से याद आया, माँ आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो, वही बनाकर खिला दो ना। हाँ माँ, गरम गरम आलू वाले समोसे खरीदेंगे। अरे वाह बच्चों, तुमने तो मुझे बातों ही बातों में बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। क्यों ना मैं समोसे बनाने का बिजनेस शुरू कर दूं? कम से कम कुछ तो मेरी दुकान चलेगी। तुम्हारी नानी भी मुझे बोलती थी कि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाती हूँ। जहाँ कोई मुझे काम नहीं मिल रहा, वहाँ मैं अपना काम कर सकती हूँ। बस मुझे पैसों की जरूरत है। वह तो ठीक है माँ, पर पैसे आएंगे कहाँ से? कुछ नहीं तो 5,000 की जरूरत तो है ही आपको। बच्चे तुम उस चीज की टेंशन मत लो, वो तो मैं देख लूंगी। जहाँ तक तुम्हारी भूख की बात है तो घर में अभी बस चावल है, मैं चावल बना देती हूँ। खाने का मन नहीं था माँ, लेकिन आप यही बना दो, कर भी क्या सकते हैं। ये कहकर वो अपने चूल्हे पर बच्चों के लिए चावल पका देती है, जिसके बाद दोनों बच्चे खाना खाते हैं। फिर शालिनी अपने बीमार पति को अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो रमेश कहता है, शालिनी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं काम पर जा रहा होता, बच्चों को यूं भूखे नहीं रहना पड़ता। तुम सच में समोसे का काम खोलोगी? हाँ, वैसे भी उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सस्ते हैं, लोग भी आएंगे। कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि रोज बच्चों को अच्छे से खाना खिला दूं और आपकी दवाई ले आऊं। भगवान बिल्कुल ऐसा ही करे जैसा तुमने सोचा है। अब तुम भी खा लो, मुझे और कितना खिलाओगी? मैं खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। सबके खाने के बाद शालिनी के लिए सिर्फ 2 चम्मच ही चावल बचे थे, जिसे वह खा लेती है और पानी पीकर पैसों का जुगाड़ करने के लिए आस पड़ोस में जाती है। लेकिन अधिकतर जगह से उसे सिर्फ ना सुनने को मिलता है। अगले दिन वह अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आती है, जिससे समोसे का सामान लाकर समोसे बनाती है और चौराहे पर समोसे की रेड़ी लगाकर समोसे बेचने लगती है, जहां उसकी बेटी भव्या उसके साथ मौजूद होती है और बेटा पिता की देखभाल घर में कर रहा होता है। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, सिर्फ 10 रुपए के 2 समोसे, सिर्फ 10 रुपए के 2 समोसे, आइए आइए। समोसे की खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन समोसे नहीं लेने, ये तो रोड के किनारे के समोसे हैं, मुझे नहीं खाने, पता नहीं कैसे बने होंगे। आते जाते ग्राहक भी वापस जा रहे थे, तो एक दो लोग समोसे खा भी रहे थे। जितना उसने सोचा था, पहले दिन तो बिल्कुल भी कमाई नहीं होती। घर वापस लौटकर शालिनी उदास हो जाती है। भाग्यवान, ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी काम की सफलता जरूर मिलेगी। क्या हुआ माँ, आप उदास हो? समोसे की बिक्री नहीं हुई क्या? हुई थी बेटा, पर जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई, ज्यादा समोसे नहीं बिके। मैं लोगों तक कैसे अपने समोसे को पहुँचाऊँ? हाँ माँ, पिताजी की बात मान लो। अपनी बेटी की बात सुन शालिनी अपने मन को दृढ़ निश्चय करती है, फिर सबको खाना बनाकर खिला देती है और सो जाती है। अगली सुबह उठकर वह फिर से समोसे की तैयारी करती है और उन्हें बनाकर रेडी लगा लेती है।
और कहती है, आइए आइए गर्मा गर्म समोसे खाइए, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे एक पर फ्री। आंटी जी जरा मुझे दे दीजिए। हाँ ये लीजिए समोसे, खाकर बताना कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं, थोड़े से पैक कर दीजिए। इस तरह आसपास के लोग उसके समोसे खाने लगते हैं, लेकिन आमदनी तो अभी भी नहीं आ रही थी। फिर एक दिन शालिनी की दुकान के सामने से उसकी सहेली छाया गुजरती है। तभी छाया शालिनी से कहती है, शालिनी तू, अरे कैसी है, और ये समोसे की दुकान तूने कब खोल ली। क्या बताऊं यार, मजबूरी ऐसी आई कि उस वजह से मैंने समोसे की दुकान खोल ली, लेकिन कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, ना के बराबर दुकान चल रही है। कुछ उपाय है तो बताना यार। अरे तुझे उपाय वगैरह क्या बताऊं, तुझे YouTube के बारे में तो पता ही है, आजकल ट्रेंड है और कुछ लोग अपने बनाए हुए खाने को रिकॉर्ड करके YouTube चैनल पर डाल देते हैं, उसका लोकेशन देखकर लोग आते हैं। अगर ये वीडियो में तेरे समोसे उन्हें अच्छे लगेंगे तो बहुत सारे लोग तेरे पास आएंगे, तो देख, तो तू ऐसा करके देख। थैंक्स यार मुझे बताने के लिए, अगर ऐसा हो सकता है तो तू कल सुबह सुबह शूट कर दियो। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुबह कर दूंगी। अगले दिन सुबह शालिनी गरम गरम समोसे कढ़ाई से निकालती है तो छाया उसे शूट कर लेती है, और जब खाती है तो इस तरह से समोसे का प्रचार करती है कि वीडियो देखने वाले हर इंसान के मुंह से पानी आ जाए। इस तरह की वीडियो बनाकर वह यूट्यूब पर डाल देती है, और जब लोग देखते हैं तो अगले दिन से ही उसकी दुकान पर भीड़ आने लगती है। वहीं एक तरफ छाया कहती है, अरे शालिनी तेरे बनाए हुए समोसे तो छा गए, तेरी वीडियो वायरल हो गई है, मैंने एड्रेस डाल दिया था, अब तेरे पास लोगों की भीड़ आने वाली है, अब तुझे अपने समोसे के चैनल का नाम देना होगा। मैं तो कहती हूँ तू YouTube पर समोसे वाली बहू रख दे। ठीक है यार। इस तरह रोज शालिनी अलग तरह के समोसे बनाती है, कभी पिज्जा समोसा, कभी दाल समोसा, कभी कुछ। वीडियो में दिखाकर YouTube पर वह बहुत वायरल हो जाती है, जिसके बाद काफी लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर उमड़ पड़ती है, और इतनी कमाई होती है कि देखते ही देखते उसके समोसे झटपट खत्म हो जाते थे, पैसा आना भी शुरू हो गया था। इसीलिए वह समोसे की एक दुकान खरीदकर अपने साथ 2-4 वर्कर रखती है। उसके समोसे के लिए दुकान के आगे लाइन लगी थी। अरे मुझे पिज्जा समोसा और मैक्रोनी समोसा दे दीजिए, आखिर हमें भी YouTube वाले के समोसे खरीदने का मौका मिले। बस बस अभी करती हूँ, आप सबको मिल जाएंगे, बहुत सारे समोसे हैं। देखते ही देखते शालिनी सभी को समोसे दे देती है। समोसे की वीडियो YouTube पर वायरल होने से उसे YouTube की ओर से काफी सारे पैसे मिलते हैं, साथ ही दुकान से अलग पैसा मिलता है। इससे शालिनी के घर की स्थिति इतनी बेहतर होती है कि वह एक बंगला, गाड़ी खरीद लेती है, साथ ही बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, और वह अपना गिरवी मंगलसूत्र भी वापस ले आती है। खाने पीने की भी अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर शालिनी के YouTube समोसे वाली के नाम से 3 ब्रांच खुल जाती हैं, जहां ठीक होने के बाद एक दुकान पति संभालता है और 2 को शालिनी खुद संभालती थी। तभी एक दिन शालिनी छाया को कहती है, छाया आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरे बदौलत है, अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो आज मैं इतने ऐशो आराम में नहीं होती। अरे तू पागल है क्या, जो ये सब कह रही है, अरे ये सब तो तेरे स्वादिष्ट समोसों का कमाल है, मैंने तो बस तुझे मंजिल दिखाई है, वहां तक तू खुद पहुंची है, इस कामयाबी की तू ही हकदार है। शायद तू सच कह रही है, लेकिन छाया कभी भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं फौरन तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगी,
कभी सोचना मत कि तू अकेली है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू अपना समोसे का बिजनेस संभाल। ये कहकर छाया चली जाती है। इस तरह शालिनी एक यूट्यूब पर समोसे वाली करोड़पति बहू बन जाती है, जिससे उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना व्यापार चलाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये यूट्यूबर समोसे वाली बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।